हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 10th में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, अम्लक्षारक एवं लवण। हम लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ लिया था और क्षारक के बारे में पढ़ लिया था, और सूचक भी मैंने आपको बता दिए थे कि सूचक क्या होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले की वीडियो में लास्ट में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम सूचक को एक ही मैं आपको बता पाई थी, दो रह गए थे, तो मैं आपको अब बता दे रही हूँ कि सूचक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक सूचक, नंबर दो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, नंबर तीन होता है हमारा गंधीय सूचक। अब हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक सूचक, कि प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं, क्या होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लो उदाहरण देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। वे सूचक जो कि हमें पौधों से या पेड़ों से प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि मान लो हमारा एग्जांपल है, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिटमस का। देखिए, लिटमस पेपर हर बच्चा जानता होगा। इधर हम अम्ल लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं क्षारक। लिटमस पेपर को हर बच्चा जानता होगा। तो जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो अम्ल में जाके लाल हो जाता है, और क्षारक की अगर प्रेजेंस में आता है तो वह नीला हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है, अगर हमने अम्ल को हम नींबू ले लेते हैं, उस पर अगर रखेंगे तो वो लाल होगा, और क्षारक यानी कि साबुन को उसमें कॉन्टैक्ट में लाएंगे या साबुन पे टच कराएंगे तो वो हमारा नीला हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होता है, ये पौधे से प्राप्त होता है हमें लिटमस पेपर। फिर दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो कि हल्दी। हल्दी तो हर बच्चा जानता होगा, इसको मैं आपको जनरली समझा दे रही हूँ कैसे। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके लाइट कलर के कपड़े पे अगर कभी सब्जी गिर जाती है, सब्जी में हल्दी पड़ी होती है, अगर वो सब्जी गिर जाती है तो आप जब उसे वॉश करने के लिए साबुन लगाते हैं उसे साफ करने के लिए, तो वो हल्दी का जो रंग होता है वो हमारा लाल रंग में बदल जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में? तो वो क्षारक होता है। साबुन जो होता है वो क्षारक होता है, तो जब वो हल्दी पे क्षारक रगड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारा लाल रंग का हो जाता है। और वापस से अगर हम दोबारा, जब उससे साफ नहीं होता तो अगर हम लोग उस पर नींबू रगड़ देते हैं तो दोबारा से उसका रंग जो है हमारा वापस पीला हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हल्दी होती है वो अम्ल के साथ तो जो है ये पीला कलर ही छोड़ती है, लेकिन अगर हम क्षारक यानी कि साबुन में अगर हल्दी को साबुन के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो हमारी लाल रंग की हो जाएगी, लाल या भूरा, कुछ भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं उसमें जैसे कि दो एग्जांपल हमारे लिटमस और हल्दी। तो इसको हमने ये ऐसे बता दिया कि अम्ल के कॉन्टैक्ट में आके वो कौन सा कलर देगा और क्षारक के साथ वो कौन सा कलर देगा। तो ये तो हमारे हो गए प्राकृतिक सूचक हो गए। फिर हमारा नंबर दो आता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। ठीक है, अब कृत्रिम और संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं? वे सूचक जो रसायन द्वारा प्राप्त होते हैं, रसायन द्वारा प्राप्त होते हैं, वो हमारे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अब रसायन द्वारा जिन्हें कि हम पेड़ पौधों से या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमें रसायन द्वारा प्राप्त होते हैं। रसायन क्या मतलब? जो कि केमिकल्स वगैरह से जो हमें मिलते हैं। जैसे कि इसका हमारा उदाहरण है, हमारा एग्जाम्पल है इसका, ये देखिए मेथिल ऑरेंज। इसका उदाहरण है हमारा मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज होता है वो हमारा एक कृत्रिम या संश्लेषित सूचक का उदाहरण है। क्यों है? जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्ल के साथ, अम्ल के जब उसमें आता है, संपर्क में आता है,
तो वो हमारा लाल रंग देता है, और जब वो क्षारक के उसमें आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो हमारा पीला रंग देता है। तो ये तो हमारा हो गया कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। अगला हमारा आता है गंधीय सूचक, नंबर 3 आता है हमारा गंधीय सूचक। अब गंधीय सूचक क्या होते हैं, देखिए देखिए, जिन पदार्थों की गंध, गंध क्या होती है, स्मेल, ठीक है, गंध अम्लीय या क्षारक, माध्यम में बदल जाती है। अब इसका क्या मतलब है बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक क्या होते हैं, जिन पदार्थों की गंध, गंध माने स्मेल, ठीक है, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ उसकी जो स्मेल है वो अम्ल में और क्षार में दोनों में जाकर के बदल जाती है, अम्ल में कुछ और हो गई, क्षार में कुछ और हो गई, तो ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका उदाहरण देख लीजिए, मान लो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है इसका प्याज का रस, देखिए प्याज का रस, देखिए ये बहुत ही इसका गंधीय सूचक का बहुत अच्छा उदाहरण है प्याज का रस। क्यों, देखिए अगर हम अम्ल में, कभी भी आप प्याज लीजिए, आप प्याज को ऐसे स्मेल कीजिए, फिर उसको उसमें नींबू डाल के, ठीक है, नींबू निचोड़ लीजिए उसके ऊपर, या नींबू के रस में प्याज को डाल दीजिए, तो उसकी स्मेल आपको अलग आएगी, और अलग का क्या मतलब, उसमें बहुत तेज स्मेल होगी। अगर हमने अम्ल में उसको प्याज को, यानी कि प्याज के रस को हम, या अम्ल में, या अम्ल मतलब नींबू पे अगर हम डालते हैं तो उसकी तीक्ष्ण हो जाएगी, मतलब बहुत तेज स्मेल हो जाएगी, और अगर किसी क्षारक के संपर्क में लाएंगे उसको तो उसमें कोई भी खुशबू या गंध नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे सूचक के प्रकार हो गए। अब हम इसके बाद ये देखते हैं, देखिए इसके बाद देखिए सूचक के हमारे प्रकार हो गए। ये तो हमारे सूचक के प्रकार हो गए, देखिए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखिए इसको हम दोबारा से लिखते रहे ताकि आप लोगों को ये याद रहेगा। अब हम देखते हैं कि अम्ल और जो हमारा क्षारक है वो धातु के साथ जो क्रिया करता है तब क्या होता है। देखिए अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया ठीक है, धातु के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे अम्ल या क्षारक की तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये देखिए सबसे पहले तो हम इधर लिख दे रहे हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया, ठीक है, एक साथ हम देख देते हैं, देखिए, और इधर हम लिख देते हैं, देखिए क्षारक के साथ, क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया, ठीक। अम्ल की जब हम किसी प्लस, यानी कि हम जब इसकी क्रिया कराएंगे धातु से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। ऐसे ही इधर देखिए जब हम किसी क्षारक की धातु के साथ क्रिया कराएंगे तब भी हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। देखिए हमने अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जब क्षारक के साथ हमने धातु की क्रिया कराई तो तब भी हमें लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। ये तो हमने, अब हम अम्ल को एक लेके चलते हैं, मान लो कि हमने HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्लस धातु हमने कौन सी ली, मान लो कि हमने जिंक ले ली, Zn जिंक होता है, ठीक है, ये देखिए
तो हमें लवण कौन सा प्राप्त हुआ, जेडन Cl2, ये क्या होता है देखिए, प्लस हमें हाइड्रोजन गैस मिली। ठीक है, तो हमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब जिंक से क्रिया कराई तब हमें जेडन Cl2 यानी कि जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए क्या है ये, जिंक क्लोराइड। ठीक, तो ये हमारी क्रिया हो गई अम्ल की धातु के साथ। ठीक, अब हम क्षारक के साथ कराते हैं, कोई भी क्षारक ले लेते हैं। जैसे क्षार कौन सा हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है, NaOH जो कि हमारा साबुन में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस धातु हमने कौन सी ली, जेडन ही ले ली। ठीक है, यानी कि जिंक ले ली, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Na2 ZnO2 यही तो मिला, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने किसी क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कराई, तो क्षारक हमने NaOH जो कि हमारा साबुन में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जेडन यानी कि जिंक के साथ क्रिया कराई, तो Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट हमें प्राप्त हुआ प्लस हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। देखिए क्या है, सोडियम जिंकेट और प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हुई। ठीक है, ये तो हमारा अम्ल और क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ देखिए कि जब हमने अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई और क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, दोनों में ही हमारा हाइड्रोजन गैस निकली। देखिए दोनों में हाइड्रोजन निकला। ठीक है, तो अब हम इसमें जो हाइड्रोजन हमारी जो गैस निकली है, हम इसका अब हम परीक्षण करते हैं। देखिए जब हम इसका परीक्षण करेंगे, ये देखिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण, ठीक है, इसको हम पहले तो एक डायग्राम से देखिए दिखाते हैं। ये देखिए इसमें ये कि मान लो हमारा एक स्टैंड है जिसमें कि एक परख नली लगी हुई है, इसमें क्या क्या है, परख नली में हमारा HCl है प्लस जिंक है। ठीक है, HCl है प्लस जिंक है। इधर हमने एक बर्तन लिया है जिसमें कि हमने एक साबुन का पानी लिया है। देखिए ये क्या है, हमारा साबुन का पानी है। ठीक है, इसमें हमने अलग से साबुन का ये पानी लिया है। अब इसमें ये एक हमने एक छड़ डाली, देखिए ये देखिए, ये हमने एक इसमें जब इधर से ये छड़ डाली, ठीक, तो इसमें जो जेडन Cl है वो HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस जिंक है। ठीक है, तो इसके जो हमारे बुलबुले आ गए फिर इसमें आए, तो ये पानी के साथ ये देखिए इसके ये बुलबुले निकले। ठीक है, ये देखिए गए, तो ये हमारे ये बुलबुले इसके झाग के साथ में मिल के ये निकले। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, साबुन का पानी है, साबुन का पानी जो हमारे ये बुलबुले झाग के साथ पानी जो जेडन Cl वो जेडन प्लस HCl के जो इधर हमने इसमें परख नली द्वारा जब इधर आया साबुन के पानी में गया, जब साबुन के पानी से के साथ उसने फिर बुलबुले छोड़े, तो फिर बुलबुले जब हमारे ऊपर गए, तो अगर हम इसके पास में कोई भी मान लो कि लाइटर ले जाएं या कोई भी जलती हुई कोई भी चीज़ ले जाते हैं, मोमबत्ती ले जाते हैं, तो इसमें एक हमें एक आवाज़ सुनाई देती है पॉप की। ठीक है, ठीक, तो वो हमारा क्या होता है, वो हाइड्रोजन होता है हमारा। ठीक है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन जो गैस है हमारी, ये क्या कि पॉप की आवाज़ हुई, तो ये क्या ये बुलबुले किसके निकले, ये ही तो है हमारे हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस में निहित हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, देखिए के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं,
तो वह पॉप की ध्वनि देता है। ठीक है, तो ये तो हमारी हाइड्रोजन गैस का ये हमारा परीक्षण हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब कल जो है हम इसके आगे की स्टडी करेंगे, तब तक के लिए आज का हमारा यहीं तक टॉपिक है। ठीक है।